दोस्तों कैसे हैं आप लोग, उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स जैसे हैप्पी दिवाली आती है उसके लिए फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए हैप्पी दिवाली की स्टेटस वीडियो एडिटिंग ट्यूटोरियल लेके आता हूं, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो के जरिए मैं आप लोगों से फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली विश करता हूं। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं ये वीडियो बनाऊंगा। ऐसा वीडियो फ्रेंड्स आप भी बनाना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। इसमें मैंने आप लोगों को बताया हूँ कैसे आप फ्रेंड्स हैप्पी दिवाली की जो है स्टेटस वीडियोस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स मेरा नाम अरविंद यादव और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो फ्रेंड्स देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स आपको वीडियो एडिट करने के लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या फिर आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने काइन मास्टर एप्लीकेशन को ओपन करके रखा, तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स क्रिएट न्यू का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बहुत सारे रेशोज दे रहे हैं, कौन से रेशोज को सिलेक्ट करना, तो यहाँ पर हम जो है 16.9 वाले रेशोज को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वो सारे फोटोज ले लेना है जिनसे जोड़कर फ्रेंड्स आप वीडियो बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए हम सिलेक्ट कर लेते हैं फोटोज को। और इसके बाद फ्रेंड्स करना क्या आपको, देखिए फोटो पर क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करना है और इसे जो है फ्रेंड्स ये बराबर जो दिया इक्वल इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है और अपनी दोनों फिंगर की मदद से फ्रेंड्स अपनी फोटोज़ को इस तरीके से जूम करके और सेंटर में जो है सेट कर लीजिए अपनी इमेज को। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड इक्वल पर रहना चाहिए, नहीं तो जूम इन जूम आउट होगा। यहाँ पर देखिए ये मेरा स्टेबल हो चुका है। इसी तरीके से फ्रेंड आपको सेकेंड फोटो पर क्लिक करना है, इक्वल पर क्लिक करना और इसे भी जूम कर लेना कुछ इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको जितने भी सारे फोटोज़ हैं आपने सिलेक्ट किए हैं उन सबको आपको यही करना है। ये देखिए यहाँ पर हमने इसे भी ले लिया। ठीक है फ्रेंड, इस तरीके से फ्रेंड्स आपका जो फेस है फ्रेंड्स वो सेंटर में रहे तो अच्छा है। ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ पर इसे सिलेक्ट कर लिया। तो चलिए फ्रेंड्स हम फटाफट कर लेते हैं बाकी के इमेजेस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने सारे फोटोज़ को इस तरीके से जूम कर लिए हैं। ठीक है, अभी फ्रेंड्स क्या करना है, इसके अंदर आप अपने फ़ोटो को अगर मान लीजिए फटाफट इफेक्ट देना चाहते हैं तो अपनी फ़ोटो की लेंथ को यहाँ पर छोटा थोड़ा बहुत कम भी कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, बाकी सब फोटोज़ की लेंथ को थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए अगर आपकी फ़ोटो की लेंथ ज़्यादा है तो। ठीक है, चलिए अभी हम थोड़ा थोड़ा कम कर लेते हैं। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर हम स्टार्टिंग में आ जाते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं इसके अंदर फ्रेंड्स हमें इफेक्ट ऐड करना है। उसके लिए देखिए फ्रेंड्स ये जो प्लस पर आपको दिख रहे बीच बीच में जहाँ पर भी फोटोज़ के बीच में जॉइंट पे प्लस का आइकॉन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स इसके अंदर हमें ट्रांजेक्शन जो है इफेक्ट ऐड करना है। इसके लिए देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारे इफेक्ट डाउनलोड करके रखे हैं, आपको करना का यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन मिलता है डाउनलोड करने का, इसके ऊपर क्लिक करके आपको बहुत सारे इफेक्ट यहाँ पर मिल जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्रेंड्स यहाँ पर जैसे मैंने जूम का यहाँ पर डाउनलोड किया हो तो कुछ ये इस तरीके से जूम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड, देख रहे हैं आप इस तरीके से जूम होगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे इस तरीके से जूम होगा। मैं यहाँ पर तो जो ऐड करूँगा वो तो आप देखेंगे ही, बट मैं आपको एक्स्ट्रा आपको और अगर आप अपने सजेस्ट करना चाहते हैं अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जूम का भी है, यहाँ पर अगर हम क्लिक करते हैं देखिए इस तरीके से जूम होगा और रोटेट यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमने करके रखा, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड कुछ इस तरीके से रोटेट होगा। ये देखिए, तो फ्रेंड्स इसमें मैं जो है रोटेट वाला ही ऐड करूँगा। हम ये वाले ऐड कर लिए, उसी तरीके से फ्रेंड सेकेंड वाले पे भी जाएंगे हम, यहाँ से इसे हम ऐड कर लेंगे। देख सकते हैं आप चाहो तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कर सकते हैं बट मैं एक ही करना चाह रहा हूँ। तो चलिए फटाफट हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने सारे इफेक्ट यहाँ पर देख के इसको ऐड कर दिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, आपको सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करना है और इसको एक्सपोर्ट कर लेना, सेव कर लेना अपने फ़ोन में। तो फ्रेंड थोड़े दो मिनट के अंदर ही ये एक्सपोर्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा हम और वेट कर लेते हैं क्योंकि हम आपका टाइम जो है वेस्टेज नहीं करना चाहते, तो दो मिनट वेट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमने डाउनलोड कर लिया, अभी हमें आते हैं वापस बैक आते हैं। तो बैक आने के बाद फ्रेंड्स हम यहीं पर हैं, देख सकते हैं आप। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए लेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स हम ब्लर वाले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और इसे फ्रेंड इस तरीके से कर देते हैं ताकि ये ब्लर हो जाएगा और देखने में भी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसे इतना सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद फ्रेंड्स हमें क्या करना है, वापस लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे, और यहाँ से फ्रेंड्स आपको एक टेम्पलेट मिल जाएगा, इसे आप जो है डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को। यहाँ पर हमने इसे ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद फ्रेंड्स इस टेम्पलेट को हम क्या करेंगे,
यहाँ से आएंगे हम यहाँ पर ब्लाइंडिंग पे, यहाँ से फ्रेंड्स हम इसे जो है स्क्रीन पर क्लिक कर देंगे। फ्रेंड्स को इस तरीके से स्क्रीन दिखाई देगी आपकी। उसके बाद फ्रेंड्स वापस लेयर पे क्लिक करेंगे मीडिया पे, और यहाँ पर फ्रेंड्स जो हमने अभी वीडियोस डाउनलोड करके रखी थी वो यहाँ पर हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे फ्रेंड्स को इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे क्रॉपिंग पे, इनेबल करेंगे और यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर राउंड पर क्लिक करेंगे, और फ्रेंड इसे हम इस तरीके से राउंड पर कर लेंगे राउंड, और फ्रेंड्स इसे हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए आप। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपके लिए देखिए इसके अंदर ऑलरेडी एक म्यूज़िक है। अगर आपको इस टेम्पलेट पे म्यूज़िक नहीं चाहिए तो यहाँ पर क्लिक करके आप इसे म्यूट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी आप म्यूज़िक देना चाहते हैं वो म्यूज़िक इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अगर फ्रेंड्स मान लीजिए पीछे का बैकग्राउंड अगर आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देखिए जो ब्लर का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करना, आपको यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जितना चाहो उतना यहाँ पर बैकग्राउंड ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स को इस तरीके से बैकग्राउंड हो जाएगा पीछे का, और आपको इस तरीके से दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। तो जितना चाहिए आपको अपने हिसाब से बैकग्राउंड आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, आपको चाहिए तो यहाँ से वापस जो इसे कम भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड डिपेंड आपके ऊपर आप कितना रखना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ तक पूरी वीडियोस हमारी कंप्लीट हो चुकी है, और फ्रेंड्स वीडियो में अगर आप खुद का अपना ऐड करना चाहते हो म्यूज़िक तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर फ्रेंड्स आपके फ़ोन में जो भी म्यूज़िक वगैरह रहेंगे आपको यहाँ पर शो करेंगे, उनमें से कोई भी यहाँ से आप सिलेक्ट करके इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर प्लस पे क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं म्यूजिक ऐड हो चुकी है। इस तरीके से फ्रेंड्स आप दिवाली वगैरह के सॉन्ग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। मैं दिवाली के सॉन्ग इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स हमें कॉपीराइट क्लेम का डर रहता है, ताकि कॉपीराइट क्लेम मिलेगा, इसके वजह से फ्रेंड्स हम सॉन्ग नहीं यूज़ कर रहे हैं, बट आप अपने में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो है वीडियोस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है वापस। फ्रेंड्स आपको यहाँ पर सेव पर क्लिक करके वीडियो को सेव कर लेना, उसके बाद आप अपना व्हाट्सअप स्टेटस रख सकते हैं, फेसबुक वगैरह पे शेयर कर सकते हैं। तो फिर इस तरीके से जो है आप अपनी वीडियो को कंप्लीट बना सकते हैं।